की खबर हर वक्त की खबर। सौरिख में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जननी सुरक्षा योजना में बड़ा गड़बड़ झाला। आपको बताते चले, सौरिख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव के लिए भर्ती होने वाली प्रसूताओं को नहीं मिलता पोषाहार। अस्पताल में प्रसूताओं को पोषाहार देने के लिए लगा है बोर्ड। पोषाहार के लिए आने वाले पैसे को कागजों में खर्च दिखाकर किया जा रहा है बंदरबांट। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को दो दिन के लिए भी नहीं रोका जाता। प्रसव के कुछ घंटे बाद ही प्रसूता को कर दिया जाता है डिस्चार्ज। आप सुबह कितने बजे भर्ती हुई थी? 7 बजे आई थी। तो सरकार की तरफ से जो कुछ चीजें निर्धारित हैं एक गर्भवती महिलाएं के लिए, क्या आपको कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी, सुबह 7 बजे आए थे, बेटा हुआ है ना, कुछ भी ना दलिया मिला, ना दूध मिला, अंडे मिले, कुछ भी नहीं। चाय आई थी, उसके भी पैसे नहीं लिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूताओं के लिए सरकार का मेन्यू लगा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रसूता महिलाओं को पोषाहार में क्या क्या दिया जाएगा। सीएससी सौरिख में प्रसूताओं से चाय के लिए भी लिए जाते हैं पैसे। चाय थी, उसके भी पैसे लिए। क्या नाम है आप? ऐसा नहीं है कि ये मामला सीएससी प्रभारी के संज्ञान में नहीं है। इसके पहले भी ऐसी ही कई समस्याओं को लेकर मीडिया के पत्रकारों ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई। ये कहकर कार्रवाई से पल्ला झाड़ लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात होगी कि उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हैं या नहीं, कि ऐसे ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। 4 बजे देखो भाई ना थे, उनके लड़का बहुत सही है, सब कुछ अच्छा है। और देखो कोई खाना, देखो चाय आई तो उनके पैसा ले, और कुछ खाने को सरकार तरफ जो सुविधाएं होती हैं तो कोई सुविधा नहीं है, खाने पीने को कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से जो गर्भवती महिला के लिए कुछ चीजें निर्धारित हैं, जैसे सुबह 1 गिलास दूध, अंडा, दलिया, पोहा, चाय, तो ये सब सुविधाएं सरकार केवल गर्भवती महिला को इसलिए देती है कि उसके स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो आपको क्या लगता है कि सुबह से अभी तक आपने जो मरीज को भर्ती कराया था कुछ भी नहीं मिला अभी यहाँ पे? ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चाय का कितना पैसा वसूला गया आपसे? 30 रुपया। 30 रुपया चाय का लिया गया? हाँ, 30 रुपया चाय के लिए।